अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाबर संधू ब्रदर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे आप दोस्तों के लिए एक वीडियो लेके आते हैं, और आज जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं वो है मीर चाकरे आजम रिंद, और उसके मकबरे पर हम आज जा रहे हैं और आपको विजिट कराएंगे डिटेल से। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हमारी टीम की कोशिश होगी। आइए चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं मकबरा मीर चाकरे आजम। पीछे कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि पीछे नजर आ रहा है, और मेन एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। तो ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी, पिछली गुजरात साहब की, उस गवर्नमेंट ने इसकी रेनोवेशन कराई है, इसके बारे में हम बाबर भाई से जानेंगे। जी बाबर जी, बकर भाई, अगर आप देख सके तो एक जो लेफ्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है सरदार उस्मान बुज़दार का, तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट के जो सीएम पंजाब थे लास्ट जो 3-4 साल ये रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पे मतलब बिल्डिंग थी उनकी, लेकिन इतनी वो नहीं थी, मतलब ईंटें थी, इतनी रेनोवेशन नहीं हुई थी। तो अब उन्होंने जो है ना 2018 में या 19 में इन्होंने अपग्रेड किया इसको, और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के वालद साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने इफ्तिताह किया था इसका, और उस्मान बुज़दार साहब खुद भी यहाँ पे 4 से 5 दफा आ चुके हैं। ठीक है, और खास बात यह है कि ये जो रोड अभी उन्होंने बनवाया था उस्मान बुज़दार साहब ने। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जो मीर चाकरे आजम रिंद का जो मकबरा है उसके ऊपर हम इस टाइम खड़े हैं, और यहाँ पे एक बोर्ड नुमाया है जिसके ऊपर इनकी एक हिस्ट्री थोड़ी सी लिखी गई है कि ये 1468 में पैदा हुए थे और अपने वालद साहब के साथ यहाँ पे आ गए थे। तो ये जो इलाका जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ या जहाँ पे इनका ये मकबरा है, ये सतगरा में पाया जाता है, और सतगरा जो खुद है उसकी भी एक हिस्ट्री है। सतगरा बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, और पाकिस्तान में उकाड़ा में भी सतगरा है। तो दोस्तों, ये जो इसकी मेन इंट्रेस है टाउन के अंदर जाने के लिए, और बड़ी खूबसूरत इसको रेनोवेट किया गया है, प्लांट्स रखे गए हैं, आप देख रहे होंगे। और इसके अंदर एक खास जो चीज है वो आप देख रहे होंगे, एक हॉर्स है और उसके ऊपर एक वारियन बैठा हुआ है। ठीक है, तलवार, और उसके हाथ में वो शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड है। तो इसके बारे में इसकी क्या हिस्ट्री है वो राय साहब से जानते हैं। तो विवल, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज मीर चाकरे आजम रिंद के मकबरे पे आए हैं, तो मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता चलूं, तो आज से 500 साल कबल सिब्बी के मुकाम पे ये दो कबायल मौजूद थे, एक रिंद कबीला था और एक लशार कबीला था। रिंद कबीला के सरदार थे सरदार मीर चाकरे आजम रिंद, और लशार कबीला के सरदार थे सरदार मीर गोहराम। तो ये आज से तकरीबन 400 साल कबल की बात है, ठीक है, जब यहाँ पे मीर चाकरे आजम रिंद आए थे। तो ये जो दो कबायल थे इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, ठीक है, और ये लड़ाई की जो वजह है वो बहुत सी बताई जाती हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें एक औरत के मामले को भी लाया जाता है और भी काफ़ी मामलात को लाया जाता है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें कंफर्म नहीं है।
तो जी राय साहब, ये जो मुजस्मा नजर आ रहा है इसकी क्या हिस्ट्री है, ये किसका बना हुआ है? ये बकर भाई मीर चाकरे आजम रिंद का मुजस्मा बना हुआ है। ये जब यहाँ पे 400 साल पहले आए थे तो ये तब उन्होंने मुजस्मा बनवाया था अपनी निशानी के तौर पे, और ये आज भी इधर मौजूद है रेनोवेशन के बाद भी। ये जैसा कि आपको पीछे दीवार दिखा सकेंगे कैमरामैन, तो ये दीवार तब की बनी है जब मीर चाकर आजम यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपने इस जगह की हिफाजत के लिए ये दीवार बनाई थी, और यहाँ आज से 400 साल कबल, और ये दीवार आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद है। और इस मुजस्मे की बात करें तो ये मुजस्मा भी इतना पुराना है कि आज भी इस ये मुजस्मा वैसे ही है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हूबहू शक्ल उन्होंने मीर चाकर आजम रिंद की बनाई हुई है। ये एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में उनका भाला है। दोस्तों, तारीख बहादुर लोगों को हमेशा याद रखती है और जिंदा रखती है। बाबा जी अपनी हयात मुबारका में फरमाया करते थे कि मुझे बहादुर लोगों का इंतकाम बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो मेरे ऊंचे किलों को फतह करने की हिम्मत रखते हैं, जुरत रखते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत एक अजीम बहादुर जंगजू वारियर इंसान थे जिन्होंने बहुत सारी फतुहात जीती। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको और भी बताता चलूं, तो 1555 में जो मीर चाकरे आजम रिंद थे, इन्होंने हुमायूं के साथ मिलके दिल्ली पे हमला किया था और शेर शाह सूरी को शिकस्त दी थी। जी, तो अब आपको लेके चलते हैं मकबरे के अंदरूनी मनाजर की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मीर चाकरे आजम रिंद की कब्र है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये पहले बहुत नीचे थी और अब इन्होंने ऊपर आके इसको बनाया है। और मकबरे के अंदरून के बारे में मशहूर है कि इसके अंदर आपकी आवाज़ बहुत गूंजती है। तो अब आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मीर चाकरे आजम रिंद का मुजस्मा पड़ा हुआ है। तो ये मुजस्मा शीशे के साथ बनाया गया था और ये भी तब ही बनाया गया था, आज से 400 साल कबल। मकबरे के अंदर एक बहुत ही प्यारा फानूस लगाया गया है जो कि मकबरे की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, इनमें ये बताया गया है कि ये मकबरा पहले कैसा था और रेनोवेशन के बाद कैसा है। और यहाँ पे बताया गया है कि बलोचों की गोद कितनी थी और इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें बताया गया है। और उसके बाद जैसा कि ये भी आप तस्वीर देख रहे हैं, इन सब तस्वीर में यही बताया गया है कि ये रेनोवेशन से पहले कैसा था और बाद में कैसा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज हमने एक हिस्टोरिकल जो एक जंगजू थे उनके बारे में आपको बताने की, उनकी हिस्ट्री बताई है, बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में फतवात की थी,
और मीर चक्रे आजम रिंद का नाम हमेशा के लिए तारीख में जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को भी फतह किया था। ये भी बताया जाता है कि उनको उन्होंने दिल्ली को भी फतह किया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये 2 साल पहले रेनोवेट किया गया था और यहाँ पे सीएम साहब खुद आए थे और उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया था। और उकाड़ा से ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।